हमारे सारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल स्टडी के इस चौथे एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम पहला तिमोथियुस उसका पहला अध्याय तीसरे वचन से लेकर के सातवें वचन तक का अध्ययन एक साथ हम करेंगे। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि मेरी ये इच्छा है और उसी चीज़ के लिए मैं ऐसे इस तरह से प्रिपेयर भी करती हूँ कि हर एक एपिसोड में जो है हम तीन महत्वपूर्ण पॉइंट एक साथ मिलकर के हम सोचना चाहेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं तीसरे वचन से लेकर के सातवें वचन तक। और ये बहुत ही अच्छा होगा कि जब कभी भी आप बाइबल स्टडी अटेंड करने के लिए बैठें तो आपके पास में भी अगर बाइबल हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कभी मैं इसको पढ़ूंगी तो आप भी उसी समय इसको पढ़िए, और जब कोई भी रेफरेंस हम कहते हैं बाइबल का तो उस समय तुरंत से आप भी उस रेफरेंस को ले लीजिए, ताकि ये जो वचन है ये आपके मन में बिल्कुल बैठ जाए। तो हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन जो है ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है, जीवित वचन है। और जब हम इसको सीधे बाइबल में से हम इसको पढ़ते हैं या इसको हम सुनते हैं तो वो एक बहुत ही एक्टिव रूप से, शक्तिशाली रूप से हमारे अंदर में जो है वो काम करने लगती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पहला तिमोथियुस पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। तो पिछले एपिसोड में जो है पहला तिमोथियुस उसका पहला और दूसरा वचन हमने जो है उस पर ध्यान किया और तीन बातों को हमने उसमें मुख्य तौर से सोचा। एक, पौलुस प्रेरित के बारे में कि किस तरह से वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित हूँ। दूसरा तो ये कि तिमोथियुस, उसके बारे में पौलुस प्रेरित कैसे उसका संबोधन करते हैं और उस पूरी कलिसिया के सामने वो इस चीज को बिल्कुल खुली तौर से कहते हैं कि तिमोथियुस वो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। और तीसरी बात हमने ये सोची कि जब वो तिमोथियुस को अभिवादन करते हैं या उसको ग्रीट करते हैं तो किस तरह से, किन शब्दों का उपयोग उन्होंने किया कि मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तो ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। अब जो है हम बिल्कुल जो है प्रॉपर सब्जेक्ट की ओर आ रहे हैं, तीसरे वचन से लेकर के सातवें वचन तक, कि क्यों इस लेखन को या इस पत्री को पौलुस प्रेरित तिमोथियुस के लिए लिख रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे परम प्रधान उद्देश्य उनका क्या है, उसको हम, उसकी शुरुआत हम इन वचनों में देखते हैं। आगे चलते हुए इस सारी पत्री में हम इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे उसका जो मेन एम्फेसिस है उसको हम देखेंगे। तो आज का ये जो विषय है जिसको हम तीसरे वचन से लेकर के थर्ड वर्स से लेकर के सेवेंथ वर्स तक हम देखेंगे, उसको भी हम तीन मेन पॉइंट में आज हम बांटना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम समझते हैं तिमोथियुस को पौलुस ने इफिसुस की कलिसिया में भेजा
उसको वहाँ पर अपने साथ में लेकर के गए और उसको वहाँ पर ठहरा दिए। तकरीबन 1.5 साल जो है इस कलिसिया के संबंध में तिमोथियुस उस जगह पर रहे। तो एक बार हम ये देखेंगे कि इफिसुस की कलिसिया से पौलुस का क्या संबंध था, उसके बारे में थोड़ा सा एक जो है टाइमलाइन हम देखेंगे, जिससे कुछ बातें हमको जो है ऑर्डर में या क्रम में समझने में हमारी सहायता करेगी। दूसरा पॉइंट ये कि तिमोथियुस को क्यों पौलुस ने इफिसुस की कलिसिया में रखा, उस समय वहाँ पर क्या समस्याएं चल रही थी या क्या प्रॉब्लम था जिस कारण से उन्होंने तिमोथियुस को उस कलिसिया में रख छोड़ा, उसके बारे में हम देखेंगे। और तीसरी बात ये कि जैसा हम 5वें वचन में पढ़ते हैं, आज्ञा का सारांश क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर इंस्ट्रक्शन और आवर टीचिंग। परमेश्वर के वचन की शिक्षा जब हमें मिलती है तो उसमें से क्या उत्पन्न होना चाहिए हमारे जीवन में, इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इन तीनों बातों को जो है हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप से आज जो हमारे आगे जो समय है इसमें हम देखेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कि देखो एफिसुस में जो कलिसिया है इससे पौलुस प्रेरित का क्या संबंध था। इसके लिए जो है हमको प्रेरितों के पुस्तक उसके 18वें अध्याय में जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम बिल्कुल इसको शॉर्टली देखेंगे, लेकिन आप जो है प्रेरितों के काम उसका 18, 19 और 20वां अध्याय जो है आप अगर इसको बिल्कुल एक साथ बैठकर इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक कहानी के रूप में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में, सेकंड मिशनरी जर्नी में, पौलुस प्रेरित जो है इफिसुस में पहुँचे और वहाँ पर इस कलिसिया की स्थापना हुई और उनके साथ उस समय प्रिसिला और एक्यूला जो हैं, जो कपल थे, वो उनके साथ में थे। तो प्रेरितों के काम 18वें अध्याय उसके 19वें वचन में हम देखते हैं, वो ऐसे पढ़ता है, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगे। आप इसको जो है आगे पीछे खुद बैठ करके पढ़िए तो आपको ये बिल्कुल एक कहानी की तरह समझ में आएगा। तो अपने दूसरे जो है प्रचार यात्रा में पौलुस प्रेरित इफिसुस में पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्री जो है शुरू किया और उसके बाद इसको आगे एक्यूला प्रिसिला जो है ले गए और उन्होंने बिल्कुल आगे सुसमाचार को वहाँ प्रचार करने का सेवकाई वहाँ पर कंटिन्यू रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी प्रचार यात्रा में, थर्ड मिशनरी जर्नी, तो सेकंड मिशनरी जर्नी वॉज इन AD 52, ओके, थर्ड मिशनरी जर्नी या तीसरी जो प्रचार यात्रा है ये AD 54 से लेकर के 56 तक के सालों में ये हुआ। और प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसके 8 से लेकर के 10वें वचन तक अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि अपने जो थर्ड मिशनरी जर्नी में पौलुस प्रेरित तकरीबन 3 साल इफिसुस की कलिसिया में उन्होंने बिताया और उस समय वो वहाँ पर उनको वचन सिखाते थे, उनके बीच में सेवकाई करते थे और एक बहुत बड़ी जागृति जो है उस जगह पर आ गई, उसको एक बार हम देखेंगे Acts 19:8-10। और वह आराधनालय में जाकर, इफिसुस नगर का जो आराधनालय है वहाँ पर जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद करता रहा। चेलों को वो परमेश्वर का वचन जो है सिखाते रहे पौलुस प्रेरित। 10वां वचन कहता है 2 वर्ष तक यही होता रहा। देखिए वो प्रेरिताई में जो है उनका जो मिनिस्ट्री में उनका एक स्ट्रेटजी को हम यहाँ समझते हैं कि पहले वहाँ पर कलिसिया को उन्होंने स्थापित किया लेकिन स्थापित करके उन्होंने छोड़ नहीं दिया, फिर वापस उसी कलिसिया में आकर के वो जो है उनको
वचन सिखाने लगे, उनके बीच में रहते हुए डेली उनको परमेश्वर के वचन से जो है वो उपदेश देने लगे। तो दसवां वचन कहता है, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के स्पर्श करा कर क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। और 11वें वचन में, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता रहा। तो उनके थर्ड मिशनरी जर्नी में एक लंबा समय इफिसुस की कलिसिया में वो लगे रहे, परमेश्वर का वचन सिखाते रहे, वो पूरा प्रांत जो है परमेश्वर का सुसमाचार सुन लिया। और वही नहीं, माइटी मिरेकल्स स्टार्टेड हैपनिंग थ्रू द हैंड्स ऑफ पॉल द अपोसल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स जो है उस जगह पर पौलुस के प्रेरित के हाथों से होता रहा। और जो है कलिसिया जड़ पकड़ने लगी, बहुत सारे लोग मसीह में आ गए वहां पर। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित इफिसुस में कुछ साल रहे, वहां से वो आगे बढ़ गए, लेकिन फिर से जो है वो मिलीतुस में आ करके वहां से इफिसुस के जितने प्राचीन लोग थे उनको उन्होंने वहां पर बुला करके उनको फिर से कुछ उपदेश उनको कलिसिया के बारे में प्रेरित दे रहे हैं। इसको हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20वें अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर के फ्रॉम 17-38 हम इसको पढ़ते हैं। और जैसे कि वो वहां से जाते जाते, जैसे उनको एक फेयरवेल एड्रेस देने के लिए मिलीतुस की जो है द्वीप में उनको बुला लिया इफिसुस के प्राचीन लोगों को, और पौलुस प्रेरित उनको उपदेश देते हैं। तो प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके जो है 27वें वचन से अगर हम देखें तो वो उनको ऐसे कहते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। तो वो ये जो 3 साल पौलुस उनके साथ में थे, उनको ये कॉन्फिडेंस है, और वो कहते हैं कि देखो मैंने जो है परमेश्वर की पूरी गवाही, द होल काउंसिल ऑफ गॉड आई हैव प्रीच्ड टू यू, परमेश्वर का पूरा वचन जो है उसका सारा जो है गवाही मैंने तुमको दे दिया है। इसलिए अब देखिए आगे उनके मन में क्या है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी रखो। देखो वो वार्निंग जो है इनको पहले से दे रहे हैं। अभी हम तिमोथियुस की जो पत्री पढ़ रहे हैं इसका संदर्भ समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो कितने सालों पहले जो है पौलुस प्रेरित ने उनको बोल दिया कि देखो यहाँ सुसमाचार का प्रचार हुआ, यहाँ बड़ी जागृति आई, कितनी चंगाइयों को परमेश्वर ने किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मिरेकल्स आप लोगों के बीच में हुआ, लेकिन इसी में खुश होके संतुष्ट होके तुम बैठ मत जाना, क्योंकि कलिसिया को आगे बढ़ना है, कलिसिया को आगे जो है मैच्योरिटी में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को और खरे उपदेश को तुमको दिल से पकड़े रखना है। क्योंकि देखिए वो क्या वार्निंग दे रहे हैं इनको, सालों पहले इफिसुस के प्राचीन लोगों को क्या कह रहे हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी रखो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली रखो। तुम ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके तुमको नहीं बैठना है कि यहाँ परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हो गया है तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, नहीं, तुमको यहाँ पर परमेश्वर जो है यहाँ का अध्यक्ष बनाए हैं, यहाँ का सेवक बनाए हैं, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस काम को पवित्र आत्मा ने यहाँ शुरू किया है, जिसको पौलुस प्रेरित ने यहाँ पर शुरू किया है, उसकी रखवाली तुमको करना है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और 29th वर्स में कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। देखिए कितना एक वार्निंग उनको दे रहे हैं कि फाड़ डालने वाले भेड़िए, इसका ये मतलब है कि शैतान का काम जो है कई तरह से कलीसिया में प्रकट होएगा, इसीलिए तुम जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, तुमको अपने आप की और झुंड की रखवाली करने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी जो है तुम्हारे ऊपर में है।
और तीसरा 30th वर्स कहता है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और 31st वर्स, इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। तो यहां पर 3 साल का जो है वो टाइम पीरियड के बारे में बोलते हैं कि मैंने तुमको परमेश्वर की सारी जो है गवाही को, वचन को मैंने सिखाया है, बिल्कुल द होल काउंसिल ऑफ गॉड आई हैव प्रीच्ड टू यू। कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को मैंने तुम्हें सिखाया है, और देखो तुम्हारे बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य लोग निकलेंगे जो करके आ करके लोगों को अपने पीछे पीछे जो है बुरे उपदेश में वो ले करके चले जाएंगे। और देखिए यही वार्निंग जो पौलुस प्रेरित यहाँ पर देते हैं, ये जा करके हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद कलीसिया में जो है, और बिल्कुल जैसा पौलुस प्रेरित ने उनको बताया उसी तरह से कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया में सबसे बड़ी एक समस्या क्या बन गई, वो झूठी शिक्षाएं जो है सभा में आने लगी, चर्च के अंदर में आने लगी। उन लोगों के बीच में से ही कुछ लोग जो है खड़े होकर के झूठी शिक्षाएं देने लगे। तो ये जो प्रेरितों के काम 18वें, 19वें और 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पौलुस प्रेरित का कैसा संबंध रहा है इफिसुस की कलीसिया से। और एक बात और कि AD 62 में है जो वो पत्री लिखते हैं इफिसुस की कलीसिया के लिए, वो आपको पता है कि बाइबल का एक बुक है लेटर टू एफिशियंस, वो जो है रोमन बंदी गृह में, फर्स्ट रोमन उनका इम्प्रिसनमेंट था, तो वहां पर जेल के अंदर में से ये लेटर जो है वो इफिसुस की कलीसिया के लिए लिखते हैं, क्योंकि ये चर्च जो है, ये कलीसिया जो है उनके दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा का इतना बड़ा सामर्थी काम जो है उस बड़े से शहर में प्रकट हुआ। इसीलिए हर तरह से जो है वहाँ की कलीसिया को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पौलुस प्रेरित अपनी तरफ से जो है क्या कुछ कर सकते हैं वो कर रहे थे। तो उन्होंने ये लेटर भी लिखा, वो बहुत ही अच्छा एक लेटर है दो एफिसुस की कलीसिया के लिए जो उन्होंने जो पत्री लिखी है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस तरह से उनको मसीह यीशु में उनका क्या स्थान है, वो बातों में उनको जो है बिल्कुल एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वचन के गहरे जो है मिस्ट्रीज को, वचन को उन्होंने उसमें लिख रखा है। अब हम आ जाएं पहले तिमोथियुस में, इसका पहला अध्याय 3-7 तक। तो आज का जो है सबसे पहला जो पॉइंट था उसको हम सोच रहे थे इतनी देर कि पौलुस प्रेरित को इफिसुस की कलीसिया से क्या संबंध है, ठीक है। तो उसने उसको हमने देख लिया, और इसके बाद जो है ये पत्री को जिस संदर्भ में लिखा गया वो ये है कि कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है कि जिस तरह से पौलुस प्रेरित ने इफिसुस के प्राचीन लोगों से बोला था, बिल्कुल उसी तरह से कुछ सालों के बाद जब अपने प्रथम जो है बंदी गृह से, रोमन बंदी गृह से छुटकारा पा करके पौलुस प्रेरित इफिसुस की कलीसिया में पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर जो है झूठी शिक्षा देने वाले बहुत से लोग खड़े हो गए हैं, और वो बिल्कुल जो है कलीसिया में कंफ्यूशन लेकर के आ गया है। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आ गई विविध तरह की, और झूठी शिक्षा आने का कैसे लक्षण हमको समझ में आता है कि लोगों की जिंदगी में वो परिवर्तन हो जाता है, वो धार्मिकता से और परमेश्वर में जो विश्वास में खड़े रहते हैं और उनका जिंदगी जिस तरह से जो परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाना चाहिए उसमें से छोड़ करके वो बिल्कुल गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। द लाइफ ऑफ द चर्च इज गेटिंग अफेक्टेड। और इन चीजों को जब पौलुस प्रेरित ने देख लिया, तब जाकर के उन्होंने ये डिसीशन लिया कि तिमोथी तुमको तो यहाँ पर मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। वो आगे निकल गए, वो मैकेडोनिया चले गए, लेकिन वो तिमोथियुस को जो उनका सच्चा पुत्र था, जिनके ऊपर
इतना कॉन्फिडेंस था उनको, उसको वहां पर छोड़ दिया। उसी को हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, जैसा मैंने मकदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था। तो ये लेटर जो है वो मकदुनिया पहुंचकर वहां से लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखो मैं तो निकल गया पर तुम एफेसस में ही रहो। इंग्लिश में ऐसा करता है कि रिमेन एट एफेसस, तुम उस जगह को छोड़कर जाना नहीं है, तुमको वहीं पर रहना है। किस लिए रहना है? कि एफेसस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा वो वहां पर ना दे। तो हम देखिए, एक बात हम यहां पर क्या समझते हैं कि जब कलीसिया में इस तरह का एक डेंजर पौलुस प्रेरित देखते हैं तो वो केवल ये नहीं कहते कि ठीक है अब क्या किया जाए, ऐसा तो हो गया, मैं जा करके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। केवल वो ऐसा नहीं कहते हैं, बिल्कुल इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन उनके मन में, ये प्रॉब्लम जब उन्होंने देखा, इस समस्या को देखा, तो इसको सुलझाने के लिए उनके मन में जो है एक सॉल्यूशन क्या आया, अपने सच्चे पुत्र तिमुथियुस को, जो कि एक बहुत अच्छा लीडर बन चुका है इस समय तक, तकरीबन 35 साल का वो हो चुका है, 10-15 साल पौलुस प्रेरित के साथ रहते रहते वो सारे खरे उपदेशों को समझने वाला एक बहुत अच्छा लीडर बन गया है। तो पौलुस प्रेरित ये समझते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं कहीं भी जाकर के बैठकर प्रार्थना करूं, केवल यही इस समस्या का जो है सॉल्यूशन नहीं है, परंतु एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे नेता की जरूरत है उस समय उस कलीसिया में, जो कि इन बातों को सुलझा सके। और इसी बातों में उसकी सहायता करने के लिए पौलुस प्रेरित इस पत्र को लिख रहे हैं। तो तुम वहीं रहो। तो जैसे ऐसा भी हम समझते हैं कि तिमुथियुस जो है वो स्वभाव से, एक तो वो युवक है, वो उतना प्राचीन तो बना नहीं, युवक है, और दूसरी बात हम उसके बारे में ये समझते हैं कि वो थोड़ा सा जो है साइलेंट टाइप का कैरेक्टर था, थोड़ा सा डरपोक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम वो वर्ड यूज कर सकते हैं टिमिड, जैसे कि वो बहुत आउटगोइंग नहीं था, बिल्कुल खुले खुले रीति से बहुत बोल्डली लोगों का सामना करके उनसे बातें कर सके, ऐसा नहीं था, थोड़ा शांत स्वभाव था, अपने अपने में रहता था। तो पौलुस प्रेरित को लगा कि कलीसिया की जो है समस्याओं को देख करके ये कहीं वहां से भाग ना जाए, कहीं ऐसा ना सोचो कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करके ये मुश्किलों का सामना करते समय ये जो है उस जगह को छोड़े ना। इसलिए पौलुस उसको फिर से कह रहे हैं कि देखो मैंने बिल्कुल उद्देश्य के साथ तुमको वहां पर खड़ा किया है और तुमको वहीं पर रहना है। रहना ही नहीं, तुमको क्या करना है, जो अन्य तरह की शिक्षाओं को लेकर के जो व्यक्ति कलीसिया में खड़े हैं उनको आज्ञा देना है। ओके, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दीस पीपल। ये बहुत, सच पूछो तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर खुद उसको बताया जाए कि तुम ऐसा करो ऐसा ना करो तब तो जल्दी है, लेकिन जो गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, उनको जो है तुमको आज्ञा देना है। बिल्कुल जो है ये एक मिलिट्री टर्म यहां पर यूज किया गया है, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दीस मैन दैट दे विल नॉट टीच स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। तो तुम वहीं पर रहो और उन्हें ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि देखो तुम तो अब तक जो तुम मेरे साथ रहे हो इस कारण से तुमको तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या खरा उपदेश है और क्या झूठा उपदेश है। तो जो लोग झूठी शिक्षा दे रहे हैं उनसे तुमको मिलना है, बातचीत करना है और उनको जो है ये तुमको आज्ञा देना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं बोला कि देखो ये झूठी उपदेश कितना तकलीफ पहुंचाती है कलीसिया को, इस बात का सीरियसनेस को समझते हुए ये कहते हैं कि तुमको आज्ञा देना है कि स्टॉप दिस, इस तरह से कि बंद करो, जो चीज खरे उपदेश के अनुसार नहीं है उसको तुम कलीसिया में नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, पांचवा वाक्य कहता है कि आज्ञा का सारांश क्या है,
क्यों हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्यों परमेश्वर के वचन का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्यों परमेश्वर के वचन को हम दूसरों के सामने लेकर के आते हैं। इसलिए नहीं कि उसमें से ढेर सारा वाद विवाद किया जाए, ढेर सारा आर्ग्यूमेंट हो और हम बिल्कुल जो है हेड नॉलेज की तरह बहुत सारे चीजों को, हम बातों को डीप डीप समझें, इसलिए नहीं। आज्ञा का सारांश क्या है? तीन चीज, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। इन तीनों से उत्पन्न होने वाला प्रेम, इसी चीज के लिए हमको परमेश्वर का वचन सीखना है। लव, तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, तुम और यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। और वो प्रेम, उसके पीछे क्या क्या चीज बोलता है, फ्रॉम ए प्योर हार्ट, शुद्ध मन, सारे जो है कपट रहित चीजों से, जो कपटी चीजों से जो है तुम्हारा मन हट जाए। प्योर हार्ट, गुड कॉन्शियंस, अच्छा विवेक। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में आने के बाद भी तुम्हारा जो है मन कितना गिल्टी रहे, कई चीजों को सोच करके, अरे मैं तो आज भी परमेश्वर से दूर हूं, मैं आज भी पापी हूं, ऐसा एक मन नहीं रखना है। तुम्हारे अंदर एक अच्छा विवेक आ जाए, गुड कॉन्शियंस और कपट रहित विश्वास, दैट इज सिंसियर फेथ। वो सिंपल सा जो विश्वास तुम्हारा यीशु मसीह में है वो तुम में बना रहे। इन चीजों में तुमको आगे बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर के वचन का जो है तुमको आज्ञा का सारांश यही है। शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। कोई भी टीचिंग या कोई भी उपदेश जो इन चीजों को, इन बातों को लोगों में उत्पन्न नहीं कर रहा है, उससे दूर रहो। छठा वचन कहता है, इनको छोड़कर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए। ये जो मेन बातें हैं जो आपको विश्वास योग्यता में और विश्वास में परमेश्वर में आगे ले जाएगा, इसको छोड़कर तुम्हारा मन और चीजों में ना भटके। अगर ऐसी बातें कलीसिया में घुस करके आ रही हैं तो तुमको वो डिटेक्ट करना है, डिसर्न करना है, समझना है और उस पर रोक लगाना है। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। देखो, बहुत सारे लोग आज कलीसिया में ऐसे हैं जो कि वचन को सिखाना चाहते हैं, वचन को पढ़ाना चाहते हैं, उनको परमेश्वर ने कोई रेवलेशन दे दिया तो वो उसको बिल्कुल बताते रहना चाहते हैं, पर जिस तरह से यहाँ कहा जाता है कि वो ना तो खुद समझते हैं। समझ एक बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर के वचन का सच्चा समझ हमारे अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी जाकर के आप खुद उसको अपने अंदर ले पाएंगे और आप दूसरे लोगों को वो सिखा पाएंगे। और आज्ञा का जो सारांश है वो लोगों की जिंदगी में आप देख पाएंगे, और बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बकवाद है, उससे दूर रहो। ऐसा तिमोथियुस को पौलुस प्रेरित जो है समझाते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में आगे हम डिटेल में इस पत्री में हम सीखेंगे। अगले एपिसोड में हम 8वें वचन से लेकर के जो है 20वें वचन तक, उसका हो सकता है कि हमको 2 एपिसोड लेना पड़े, लेकिन यहाँ पर पौलुस प्रेरित खरा उपदेश क्या है, सच्चा उपदेश क्या है सुसमाचार के अनुसार, उसके बारे में तिमोथियुस को फिर से याद दिलाते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे इन वचनों से। आप इस वचन को लेकर के खुद पढ़िए, इसको मेडिटेट कीजिए, इसका नोट्स बनाइए और अपने साथ जो लोग हैं इनको ये सिखाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करे अपने वचन से। गॉड ब्लेस यू।